वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हम लोगों को इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है और ऑप्शन हमारे सामने हैं 2, 5, 35 एंड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 25 को हम लोग 5 स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5 स्क्वायर पावर 1/2 प्लस 2 बाई, और इस वाले 25 को भी 5 स्क्वायर पावर -1/2। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पावर 1 प्लस 2 बाई 5, और यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर -1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 बाई 5 इनवर्स। 5 और 2 7 होगा बाई 5 इनवर्स। इसको हम लोग 7 और 5 इनवर्स को हम लोग 7 बाई 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 7 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई 1/5। ठीक है, जैसे 5 इनवर्स को हम लोग 1/5 लिखेंगे तो पावर जो -1 था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 इनवर्स मतलब ही होता है, 5 का पावर -1 का मतलब ही होता है 1/5। तो 7/1/5, तो 7 और इसका मतलब है डिवाइड, 7 डिवाइडेड बाई 1/5, तो 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ साइन चेंज होगा तो इसका इन्वर्स लिखाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 7 × 5 = 35। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।